आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। इस दुनिया में शुरू से ही समय समय पर कुछ ना कुछ रहस्यमयी होता रहता है, जिसने इंसानों को सोचने पर भी मजबूर किया है। आज हम आपको बताएंगे इस दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी घटना, जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। नाचते नाचते 400 लोगों की मौत। आज से करीब 500 साल पहले फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ जिससे 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल साल 1580 में अल्सेस के स्टारबर्ग, जिसे आज हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, उस समय एक लड़की अचानक ही नाचने लगी और वो नाचते नाचते अपना होश खो बैठी और वो नाचते नाचते अपने घर से बाहर आ गई। जब लोगों और उसके परिवार के सदस्यों ने देखा तो उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक ही उसके परिजन भी उसके साथ डांस करने लगे। उसके बाद जिसने भी उस लड़की और उस परिवार को समझाने की कोशिश की तो वो लोग भी उनके साथ डांस करना शुरू कर देते थे। कहा जाता है कि वो सभी नाचने में इतने खो गए थे कि वो लगातार कई दिनों तक नाचते रहे, जिनमें से करीब 30 लोगों की नाचते नाचते मौत हो गई। उसके बाद से ही कई इलाकों में लोग अचानक से ही डांस करना शुरू कर देते और वो लोग लगातार कई महीनों तक नाचते ही रहते थे। कई लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो सभी लोग भी उनके साथ नाचना शुरू कर देते और जब तक नहीं रुकते थे जब तक उन लोगों की मौत ना हो जाती। उस समय लगातार महीनों तक नाचने की वजह से 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब डॉक्टरों ने उन मरे हुए लोगों की जांच की तो पाया कि उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत दिल का दौरा और खून की नसें फटने की वजह से हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इस अचानक से नाचने वाले रहस्य को एक बीमारी का नाम दे दिया, जिसका नाम था डांसिंग प्लेग। हालांकि इससे पहले और इसके बाद आज तक इस डांसिंग प्लेग नाम की इस रहस्यमयी बीमारी को नहीं पाया गया और आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस दौर में अचानक ही लोग क्यों नाचना शुरू कर देते थे। एक अनजान और रहस्यमयी जंगल। इस दुनिया में कई रहस्यमयी जंगल हैं जिनमें लोग एक बार जाकर कभी वापस नहीं आते। उन्हीं में से एक रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में मौजूद होइपा बासियू नाम का सबसे रहस्यमयी जंगल। ये जंगल बहुत सी भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम है। इस जंगल में जब घूमने वाले लोग जब इस जंगल से वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जलने और खरोंचने के निशान बन जाते हैं, लेकिन जब उन लोगों से जलने और खरोंचने के निशान के बारे में पूछा जाता है तो इस बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनके जंगल की यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इन खोए हुए समय के दौरान उनके साथ इस भयानक जंगल में क्या होता है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इस जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जंगल भूतिया घटनाओं और रहस्यमय गतिविधियों से भरा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश भी की, लेकिन उनके भी साथ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं घटी, लेकिन वो भी इस जंगल के रहस्य को आज तक नहीं सुलझा सके और आज तक ये जंगल सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। अनजान और रहस्यमयी किलर। मानवीय इतिहास में सीरियल किलर की घटनाएं काफी पुरानी रही हैं, जिनमें से कई ऐसे किलर थे जो नरपिशाच थे। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा मिस्टीरियस किलर जो सिर्फ वेश्याओं को मारकर उनके शरीर के साथ हैवानियत करता था। आज से करीब 128 साल पहले विक्टोरियन इंग्लैंड में ऐसे किलर का खौफ कायम था जिसे कभी भी किसी ने नहीं देखा था। वो एक खौफनाक हत्यारा था जो नशे में धुत वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वो कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था ये आज तक कोई नहीं जान सका। साल 1888 में इस किलर ने 5 वेश्याओं का कत्ल किया। उसके बाद वो उनके गर्भाशय, किडनी और दिल बाहर निकालकर फेंक देता था। इंग्लैंड के व्हाइट चौपल शहर में उसका खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि रात को कोई भी महिला घर से अकेली नहीं निकलती थी।
उस समय इसने कई मर्डर्स किए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ना कभी ये देखा जाता था और ना कभी पकड़ा गया। इसमें सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि कोई भी दावे के साथ ये नहीं बता सकता कि ये कोई सीरियल किलर का काम था या फिर किसी जानवर का। और आज तक ये सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कौन था और कहां से आता था। इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है जैक द रिपर। अगर आप चाहें तो इस फिल्म को भी देख सकते हैं। वैम्पायर्स का इलाका। दुनिया भर में कई ऐसी जगह होती हैं जहां भूत प्रेत और आत्माएं अपना घर बना लेती हैं, लेकिन इस धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां भूत प्रेत और आत्माएं नहीं बल्कि वैम्पायर यानी पिशाचों ने अपना घर बनाया हुआ है। लंदन में मौजूद हाईगेट कब्रिस्तान, जहां कई लोगों ने वैम्पायर्स को देखने का दावा किया है जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते देखे गए हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल एक ही मिथ बना हुआ था, लेकिन इस कब्रिस्तान में मौत के इन राक्षसों को महसूस किया गया है। ये कब्रिस्तान लंदन में बनाया गया काफी बड़ा और विशाल कब्रिस्तान है और ना जाने इसमें कितने लोग दफन किए जा चुके हैं। और वैसे भी जहां इतने लोग दफन किए होंगे वहीं रूह और आत्माओं का दिखना तो लाजमी है। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो यहां घूमती ही रहती हैं, जिन्हें कई बार लोगों द्वारा देखा गया। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को भी देखने का दावा किया है। सबसे पहली घटना साल 1917 में हुई जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे पर वैम्पायर के बैठे होने का दावा किया। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थीं और जब वो कब्रिस्तान से गुजर रही थीं तो उस समय शाम हो चुकी थी और हल्का अंधेरा भी था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई दी जो कब्रिस्तान से आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो वहां कोई आदमी जैसा एक कब्र के पास बैठा हुआ था और कब्र से सबको निकालकर उसका खून पी रहा था। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही एक और घटना सामने आई जहां एक प्रेमी जोड़ा भी इस कब्रिस्तान में वैम्पायर्स को देखने का दावा करने लगा। उन दोनों का कहना था कि जब वो कब्रिस्तान के तीसरे गेट से गुजर रहे थे उसी वक्त उन्होंने कब्रिस्तान में एक बहुत बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से ज्यादा बड़ा था और उसका चेहरा अंधेरे के कारण ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट एक सामान्य इंसान से अलग थी। उन दोनों का कहना था कि शायद उस अजीब से मनुष्य ने उन्हें देख लिया था और वो उनकी तरफ आता जा रहा था, लेकिन वो दोनों वहां से भाग निकले। इसी तरह की ऐसी कई घटनाएं हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। इस कब्रिस्तान से कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने की भी घटना सामने आती रही हैं, लेकिन कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये घटनाएं आखिर क्यों होती हैं और इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन है। कंकाल झील। उत्तराखंड के रूपकुंड शहर में मौजूद कंकाल झील भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ निर्धारित समय में रूपकुंड झील का बर्फीला पानी पिघलने से 200 मनुष्यों के छिपे हुए कंकाल के अवशेष देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार यह कंकाल लगभग 1200 साल पहले के बताए गए हैं। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार ये कंकाल राजा जसधावा और उनके सहयोगियों के माने जाते हैं जो कि उस समय नंदा देवी को श्रद्धांजलि देने गए थे। लेकिन इस छोटे से रूपकुंड शहर में करीब 200 मनुष्यों के कंकाल कैसे पाए गए। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस पर कई तरह की शोध भी की है, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रूपकुंड शहर से मिले गए कंकालों के अवशेषों के बारे में सही जवाब नहीं दे सका और आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस रूपकुंड शहर में मौजूद इस कंकाल झील में इतने सारे कंकाल कैसे आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।